मैं डिसाइड कर सकती हूँ कि मेरा छोटा भाई होगा या फिर एक छोटी बहन? तुम्हें छोटी बहन सेलेक्ट करना चाहिए। पर मम्मा मुझे एक छोटा भाई चाहिए। क्या तुम इस बच्चे को डिलीवर करने वाली हो? नहीं। तो बेटा बेबी गर्ल सेलेक्ट करो। तुम्हारी बहन आ गई। अरे क्या कर दिया मेरे बच्चे के साथ, इधर तो उसे तुम्हें उसे पकड़ने भी नहीं आ रहा है। इधर तो ये क्या कर रहे हो मम्मा? तुम्हारी छोटी बहन को टॉयज चाहिए, वैसे भी तुम इन सब चीजों के लिए बहुत बड़ी हो गई हो। रेडी कैच। आउच। आई एम सॉरी, मैंने तुम्हें जानबूझ के आंख में नहीं मारा। मम्मा मेरी गुड़िया क्या हो गया तुझे, तूने इसके साथ क्या किया? हाँ मम्मा वो सिर्फ एक एक्सीडेंट था। मुझे कोई बहाना नहीं सुनना है, चुपचाप अपने कमरे में जाओ। तुम्हारी बहन को ब्लड डोनेशन चाहिए। क्या? तुम्हें अपना ब्लड अपनी छोटी बहन को तुरंत डोनेट करना होगा। चलो मेरे साथ हॉस्पिटल। चलो बेटा अपना हाथ इधर दो। प्रगति जल्दी हाथ दो अपना। I'm sorry, मम्मा, मैं ये नहीं कर सकती, आपको पता है ना मुझे इंजेक्शन से कितना डर लगता है। कुछ नहीं होगा, तुम्हारी छोटी बहन को तुम्हारी जरूरत है, इधर दो हाथ। Excuse me, मैम, बच्चों को फोर्स नहीं कर सकते हैं, क्या आप डोनेट करना चाहती हैं? आप ही क्यों नहीं अपना ब्लड डोनेट कर देती हैं, वैसे भी वो तो आपकी फेवरेट है ना। ठीक है, मुझे ये बात अच्छे से याद रहेगी। मैं और मम्मा वेकेशन के लिए जा रहे हैं। ठीक है, मैं भी अपना बैग पैक कर लेती हूं। तुम कहीं नहीं जा रही हो, तुम्हारा स्कूल ओपन है ना, तुम घर पे ही रह के पढ़ाई करोगी, और वैसे भी हम सिर्फ 2 हफ्ते के लिए बाहर जा रहे हैं। 2 हफ्ते के लिए? लेकिन मैं स्कूल कैसे जाऊंगी और मेरे स्कूल का लंच कैसे? तुम्हें ड्राइव करना आता है, तुम ड्राइव करके स्कूल जा सकती हो, और ये लो लंच के पैसे। अब बड़ी दीदी को बाय बोलो। बाय दीदी, 2 हफ्ते बाद मिलते हैं। मम्मी ने जितने पैसे दिए थे वो सारे पैसे तो मैंने पेट्रोल और खाने पे खर्च दिए, और अब मुझे भूख लगी है, मैं क्या करूं? आपने जिस व्यक्ति को कॉल किया है वह अभी दूसरी कॉल। हेलो, माय नेम इज ऑफिसर विजय फ्रॉम योर नियर बाय पुलिस स्टेशन। आपके नेबर्स ने इस घर को रिपोर्ट किया है। बेटा घर पे मम्मी पापा हैं? ऑफिसर मेरे घर को रिपोर्ट क्यों किया गया है? रिपोर्ट्स में लिखे हुए हैं कि पिछले 1 घंटे से एक छोटी बच्ची की रोने की आवाज आ रही है। हाँ, मैं ही रो रही थी क्योंकि मेरी मम्मी मेरी छोटी बहन को वेकेशन पे लेके गई है और मुझे बहुत भूख लगी है और मम्मी फोन नहीं उठा रही थी। ओके, नोटेड। और बेटा आपके पापा कहाँ हैं? हमारी बात पापा से नहीं होती है। देखो बेटा, डरने की कोई बात नहीं है, लेकिन मुझे तुम्हारे घर की तलाशी लेनी पड़ेगी। और ये है हमारा ग्रोसरी रूम, यहाँ पे सिर्फ बेबी फूड क्यों है? हाँ, लेकिन तुम्हारे खाने का सामान कहाँ है? क्योंकि मुझे रिपोर्ट में ये भी लिखना होगा कि आपके खाने के लिए कुछ भी नहीं है। ऑफिसर एक सेकेंड, ये लिखने से मेरी मम्मी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी क्योंकि मम्मी ने मुझे खाने के लिए पैसे दिए थे। रिलैक्स बेटा, कुछ नहीं होगा। तब तक तुम ये खाओ, हमने आपकी मॉम को कॉल कर दिया। ऑफिसर मैं आपसे झूठ नहीं बोल रही हूँ, मैं अपनी बेटी को इग्नोर नहीं करती हूँ, वो हमें दिख रहा है क्या हो रहा है। ऑफिसर क्या मैं अपने बच्चे से अकेले में बात कर सकती हूँ? ठीक है। तेरी इतनी हिम्मत हो गई है तो मेरे लिए पुलिस बुलाएगी? हट। नहीं मम्मी, मैंने कॉल नहीं किया था, वो तो नेबर्स थे। तो पुलिस के सामने सिर्फ वही बोलेगी जो मैंने तुझे कहा है। ठीक है मम्मी। बेटा सब ठीक तो है? हाँ सब कुछ सही है। देखो ऑफिसर, मैंने बोला था ना, बस मेरी बच्ची घबरा गई थी। दीदी मेरे साथ खेलो ना, चलो चलो चलो। नहीं, मैं आपके साथ बाद में खेलूंगी पक्का। मम्मा दीदी मुझे डांट रही है। तू सुधरेगी नहीं? नहीं मम्मी, मैंने सिर्फ इतना बोला कि मैं इसके साथ बाद में खेलूंगी। बेटा आप जाके शिनचैन देखो, मैं आपकी बड़ी बहन से बात करती हूँ। प्रगति। क्या मम्मा? मैंने तुम्हारे पापा से बात कर ली है। पर क्यों? तुम्हारे पापा ने सामने से खुद ऑफर किया है कि वो तुम्हारे साथ रहना चाहते हैं। नहीं मम्मा, मैं पापा के साथ नहीं रहना चाहती हूँ। वो तुम्हारा वेट कर रहे हैं, चलो हमें जाना है, चलो अब। ठीक है मत जाओ। प्रगति डिनर रेडी हो गया है, खा लो। मुझे भूख नहीं है। क्यों, पुलिस को तो तुमने यही बोला था ना कि मैं तुम्हें खाना नहीं देती हूँ, चुपचाप खाओ। खाना कैसा बना है? चलो अच्छा है। मम्मी। हाँ बोलो। मुझे पता नहीं क्यों कुछ अच्छा नहीं लग रहा। मम्मा दीदी सो क्यों रही है? क्योंकि बेटा हम एक लंबे रोड ट्रिप पे जा रहे हैं। मम्मी हम कहाँ जा रहे हैं? मम्मा दीदी आपसे कुछ बोल रही है। दीदी को रेस्ट की जरूरत है बेटा, उसे इग्नोर करो और ये लो अपना शो देखो। हेलो, हम आ गए हैं, दरवाजा खोल दो।
ये रही तुम्हारी बेटी, उठाओ इसे और ले जाओ अंदर। कोमोलिका, ये छोटी बच्ची नहीं है अब, ये 17 साल की हो गई है, इसे गोद में उठाना ठीक नहीं रहेगा, मैं उसे उठा देता हूँ। बेटा प्रगति उठो, बेटा उठो। कोमोलिका तुमने मेरी बेटी के साथ क्या किया है? ये सीधे तरीके से तो आने वाली नहीं थी तो मैंने। कोमोलिका तुम। मम्मा ये अंकल कौन है? बेटा ये कोई नहीं है, तुम अपना शो देखो। एक्चुअली बेटा मैं ही तुम्हारा पापा हूँ और तुम दोनों मेरे साथ चल रहे हो। नहीं अजय तुम ऐसा नहीं कर सकते हो, हमारी डील हुई थी कि तुम्हारे पास प्रगति रहेगी और छोटी मेरे पास। और तुम तो हमें इसीलिए छोड़ के गए थे ना क्योंकि तुम्हें बच्चे नहीं चाहिए थे, लेकिन अब मुझे चाहिए क्योंकि मैंने देख लिया है तुमने प्रगति के साथ क्या क्या किया है। नहीं ऐसा नहीं हो सकता, मैं अपने दोनों बच्चों को अपने साथ रखूंगा। नहीं तुम एक को ले सकते हो, एक मेरे पास रहेगी। एक भी नहीं क्योंकि मैंने पुलिस को कॉल किया। क्या किया तुमने? बेटा मैं तुम दोनों से थैंक यू बोलना चाहता हूँ मुझे सेकंड चांस देने के लिए, थैंक यू सो मच। पापा थैंक यू बोलना है तो किंडर जॉय दे के बोलो। जब से मम्मी हमारी लाइफ से दूर गई है मुझे रियलाइज हो गया है कि मेरी छोटी बहन कितनी प्यारी है और मुझे हमेशा से एक छोटी बहन चाहिए। मुझे भी बड़ी बहन चाहिए थी। इसी बात पे एक ग्रुप हक तो बनता है। मैं अपने क्रश का नाम जान सकती हूँ? मैं इसे जान के क्या ही करूंगी। ओ नो आज तो दीमक सर का क्लास है, मुझे लेट हो रहा है। एक मिनट मैंने तो घड़ी नहीं पहनी, कमेंट में जाके लिख लिया मैं। अच्छा ठीक है लिख दो, कोई बात नहीं। प्रगति तुम्हारे क्रश का नाम क्या है? मैं ये जान के क्या करूंगी। अच्छा ये बता कितने आवर्स बचे हैं ये देखने के लिए? 5 आवर्स, चल बाय। प्रगति सोच अगर तेरा क्रश दीमक सर हुआ तो। देख राहुल अपना मुंह बंद कर, क्योंकि जब भी तेरा मुंह खुलता है ना सिर्फ बकवास बातें निकलती हैं, और वैसे भी मेरा क्रश आदित्य होने वाला है क्योंकि वही मेरा बॉयफ्रेंड है। राहुल यार अपने बालों में अमीबा लगाया है क्या? फंगस। थप्पड़ मार दूंगी अगर तूने मुझे और परेशान किया तो। तुम अब किसी से प्यार नहीं कर सकती हो, शो करो या हाइड करो। हाय बेस्टी, तुझे पता है मैंने हम दोनों के लिए मैचिंग रिंग्स खरीदे हैं, ये ले एक्सचेंज करते हैं। मुझे नहीं चाहिए। यार ऐसे क्यों बोल रही है? आज के बाद मुझसे बात मत कर। पर मैंने की। हाय बेब, अरे तू आज कितनी प्यारी लग रही है। अरे मुझे ऐसे इग्नोर क्यों कर रही है? क्या हुआ बोल, मैंने कुछ गलती कर दी क्या? बोल क्या हुआ? यू नो व्हाट राहुल, लेट्स ब्रेक। मुझे तो पहले ही समझ जाना चाहिए था, तुमने मुझसे कभी प्यार किया ही नहीं। जा रहा हूँ मैं, रह खुश अकेले। कॉन्ग्रेट्स बेटा, तुम्हारा भाई हुआ है। कितना प्यारा है ये, इसके छोटे छोटे पैर। पर बेटा तू इसे प्यार नहीं कर सकती है, तुझे पता है ना? मम्मी आई थिंक आई कैन लव हिम, कुछ नहीं। पर बेटा तू। बाबू ये देखो कहाँ गया। मैंने बोला था ना उसे प्यार मत कर, देख अब तेरी वजह से क्या हो गया है। क्या आप चाहते हो मुझे ये कर्ज ना मिले? तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो।